Bismillahirrahmanirrahim. Today, my lecture is rule of law. So far as the word rule of law is concerned, regarding rule of law, the famous proverb of Dicey, the word most profaned, abused, rather misused in the word of romance is the word love. Similarly, he said that the word most profaned, misused, rather abused in the matter of statecraft is the rule of law. इसका मतलब ये है कि डाइसी ने कहा कि मोहब्बत के मामलात में जो जितनी इंसल्ट, तहकीर या तजलील आज तक लव की गई है, इतनी ही तजलील, तहकीर और जो प्रोफेंस है वो रियासत के चलाने के मामलात में लफ्स रूल ऑफ लॉ की गई है। जहां तक इसकी प्रील्यूड का ताल्लुक है या इसकी इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, तो पहली दफा ये वर्ड या आइडिया जो था वो 19th सेंचुरी में पॉपुलराइज्ड हुआ और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का। इसी तरह से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस डॉक्ट्राइन को तस्लीम किया गया है और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि द स्टेट शैल फॉलो द रूल ऑफ लॉ। तो जहां तक इसका ताल्लुक है तो ये टर्म किसी भी आदमी को सुपरमेसी ऑफ लॉ तक पहुंचने में मदद देती है और इसी तरह से दुनिया में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो रूल ऑफ लॉ के बगैर रन कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कंट्री में सही जमहूरियत या सही डेमोक्रेसी प्रवेल करे तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को, इस डॉक्ट्राइन को उस कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देना इंतहा जरूरी होगा। जहां तक क्रॉस रेफरेंस का ताल्लुक है तो अगर आप इसको किसी और जगह से पढ़ना चाहें तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है। और इसके मेन जो फीचर्स हैं वो आपको इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल सकते हैं। जहां तक इसके मीनिंग का ताल्लुक है और आपको अगर मैं समझाने में कामयाब हो सकूं तो इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो रूल करता है और जस्टिस को प्रवेल करना चाहिए। दूसरे लफ्जों में लॉ शुड रूल एंड जस्टिस शुड प्रवेल। जहां तक ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का ताल्लुक है तो उसमें इसको सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर एज अपोज टू द आर्बिट्ररी पावर करार दिया गया है, यानी जो सुप्रीमेसी है लॉ की वो सही होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल होनी चाहिए। आर्बिट्ररी पावर यानी जो ऐसी पावर्स जो इल्लीगल हो या जिनको आप अदालती जरिए से या लीगल जरिए से इस्तेमाल ना कर सके हो, ऐसी पावर्स को आप रूल ऑफ लॉ नहीं कह सकते। इसकी कई डेफिनेशंस की गई हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का नाम दिया गया है। और जहां तक प्रोफेसर डाइसी का ताल्लुक है तो उसने अपनी किताब लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में इसको तीन कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है।
पहले वो कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्री डोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ है, यानी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी आर्बिट्री पावर नहीं होनी चाहिए कि अपने सिटीजन्स को वो डील कर सके, रेगुलर लॉ को डोमिनेट करना है। दूसरा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल दी जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और तीसरा ये है, जो सिटीजन की पर्सनल फ्रीडम है जो फॉर्मुलेट की गई है और जो प्रोटेक्ट करती है ऑर्डर ऑफ द लैंड के जरिए उनको, उनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन के जरिए आगे चलाया जाना चाहिए और उनको जो उनके बेसिक राइट्स हैं शहरियों के, उनको फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। फिर डाइसी ने इसके बारे में मजीद कहा है कि ये जैसे मैंने पहले बताया है कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, और ब्लैकस्टोन इसके बारे में कहते हैं कि जितने भी फैसले किए जाएं वो नॉन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, लॉ के जाने पहचाने असूलों के जरिए किए जाने चाहिए। लेकिन वेड इसके बारे में कहते हैं कि हर गवर्नमेंट जो है उसको लॉ के ताबे होना चाहिए, सब्जेक्ट टू लॉ होनी चाहिए, ना के लॉ जो है वो गवर्नमेंट के ताबे होना चाहिए। मीनिंग दे पाए कि गवर्नमेंट को कानून की अमलदारी पर अमल करना है, ना कि कानून को गवर्नमेंट की अमलदारी पर अमल करना है। इसी तरह से जो लॉर्ड हैबर्ट है उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है और ये दूसरे अल्टरनेटिव जो जरिए उनसे डिफरेंट है, और ये सिर्फ किसी एक आदमी के राइट्स को डिटरमिन करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि रूल फॉर एवरीवन। जहां तक इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ताल्लुक है तो ये जहां से वर्ल्ड लॉ ओरिजिनेट हुआ है ये कॉन्सेप्ट भी उतना ही पुराना है, और इसकी जो रूट्स हैं उनको आप तलाश कर सकते हैं मैग्ना कार्टा 1215 में, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी जो फ्री मैन है, जो आजाद आदमी है, उसको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, ना उसको जेल में भेजा जाएगा, ना उसको एग्जाइल किया जाएगा, और ना ही उसको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और ना ही हमें कानून के अलावा किसी दीगर तरीके से जेल भेजा जाएगा, सिर्फ जो पीर्स हैं उनकी लीगल जजमेंट्स के जरिए, और दूसरी बात लॉ ऑफ लैंड के जरिए, ना हम पीर्स की जजमेंट के बगैर और ना हम लॉ ऑफ द लैंड के बगैर एक्साइल किए जाएंगे और ना ही हम इम्प्रिजन किए जाएंगे। जहां तक इसकी बुनियाद का ताल्लुक है तो इसकी जो फ्रेंच फ्रेज है ला प्रिंसिपल डी लेजिलाइट, इसका मतलब ये है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, लीगल होने का असूल, किसी चीज को जायज करने का असूल। इसके अलावा सर एडविन कोप ने इसके बारे में कुछ लिखा है जो जेम्स के वक्त चीफ जस्टिस थे, जेम्स वन के वक्त, और वो इसी कॉन्सेप्ट के ओरिजिनेटर थे। जब बादशाह के खिलाफ जंग शुरू हुई तो उन्होंने कामयाबी से इस बात का दफा किया कि बादशाह को गॉड के अंडर होना चाहिए और लॉ के अंडर होना चाहिए, और देयर शुड बी एस्टैब्लिश्ड सुपरवेसी ऑफ लॉ अगेंस्ट द एग्जेक्टिव होनी चाहिए। तहम डाइसी ने इसको डेवलप किया कोक की थ्योरी को, और उन्होंने क्लासिक बुक लिखी जिसका नाम था द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन,
जो कि 1885 में पब्लिश हुई थी। जहां तक इसके मुख्तलिफ नेम्स का ताल्लुक है तो इसको दीगर नामों से भी पुकारा जा सकता है। इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया था और प्रैक्टिकेबल करार दिया गया, लेकिन लोगों ने अपने अपनी जो टेरिटरी थी उसमें इसको मुख्तलिफ नामों से अप्लाई किया हुआ है। जैसे रोमन अप्रोच में इसे जस्ट नेचरली के नाम से याद किया जाता है, और इसी तरह से मिडिवल अप्रोच में इसको लॉ ऑफ द गॉड के नाम से भी याद किया गया, और इसी तरह से हॉब्स, लॉक और रसल जो है उन्होंने इसका नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल लॉ भी रखा, और मॉडर्न वर्ल्ड में डॉक्ट्राइन ऑफ, इस डॉक्ट्राइन को हम रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। जहां तक इसके लीडिंग केसेस का ताल्लुक है तो इसमें एंट्रिक वर्सेस करिंगटन 1765 रेफरेंस केस के तौर पर मैं पेश करता हूं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। एंट्रिक वर्सेस करिंगटन 1765, जिसमें यह करार दिया गया था अगर स्टैट्यूट की गैर मौजूदगी है और जुडिशियल प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, स्टैट्यूट की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में और जुडिशियल प्रेसिडेंट की मौजूदगी में अगर कोई वारंट है और उसको लीगल करार दिया जाता है तो ऐसी प्रैक्टिस को इलीगल करार दिया जाएगा। यानी इस केस में उन्होंने कहा कि या तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में हो या फिर उसके बारे में कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट होनी चाहिए, और यही रूल ऑफ लॉ की खास। जहां तक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का ताल्लुक है तो इसमें जो इंफ्रादी हमारे हकूक हैं उनको इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए, और लॉ को रूल करना चाहिए और लॉ को सुप्रीम होना चाहिए, और जो ऑफेंसेस हैं उनको गुनून के मुताबिक उनमें सुनाई नहीं जानी चाहिए। और ये बात भी बड़ी जरूरी है कि तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, तमाम अनासर जो हैं, तमाम लोग जो हैं वो लॉ के ताबे हैं। और ये भी रूल ऑफ लॉ कहता है कि गवर्नमेंट शुड बी अंडर द लॉ, लॉ शुड नॉट बी अंडर द गवर्नमेंट, और इसी तरह से देयर शुड बी अ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए ना कि कोई और अदारा। जैसे पाकिस्तान में एक टसल 1948 से जारी है कि क्या यहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर डिक्टेटरशिप सुप्रीम है या फिर अदलिया सुप्रीम है, तो दिस कंट्रोवर्सी हैज येट नॉट बीन डिसाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जहां तक इसकी एक्सपोजिशन का ताल्लुक है तो डाइसी ने अपनी बुक जो है लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो उसने 1885 में पब्लिश की थी, तो उसने इसको तीन नाम दिए थे, जैसे मैंने पहले भी कि दिस इज सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ, और दूसरी बात है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और तीसरी बात है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज ए बाइंडिंग पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, कि जो हर मुल्क का कानून है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। जहां तक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का ताल्लुक है तो ये है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्री पावर नजायज अख्तियार, इलीगल अख्तियार जो आप यूज करते हैं आपको वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। रूल ऑफ लॉ रिक्वायर करते हैं कि देयर शुड बी ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट शुड रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, अंडर द लॉ, और इसी तरह से देयर शुड बी ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे इसी तरह से इसका जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बाद वो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इसमें वन एंड सेम लॉ फॉर द ऑल, और इसी तरह से
एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं हासिल होनी चाहिए और तमाम लोगों को उस चीज को फॉलो करना चाहिए जो कि स्टैट्यूट में दी गई है। और इसी तरह से एवरीबॉडी शुड बी गवर्न्ड बाय लॉ, हर एक को लॉ के जरिए गवर्न किया जाना चाहिए। और जहां तक क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है तो डाइसी की एक्सपोजिशन पर काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, काफी लोगों ने इस पर एतराज उठाए हैं जैसे, लेकिन इंग्लैंड में तो ये फुली तौर पर एक्सेप्ट किया गया। तहम इसके बावजूद डाइसी की जो एक्सपोजिशन थी उस पर कुछ ना कुछ एतराज किए गए थे, जैसे इम्यूनिटी ऑफ किंग, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, जैसे ये कह दिया गया कि जी बादशाह तो गलती कर ही नहीं सकता और उसके खिलाफ कोई दावा दायर कर ही नहीं सकता, कोई क्लेम दायर नहीं किया जा सकता, तो ये इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। इसी तरह से प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम बीइंग सूट, और इसी तरह से गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन थे उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया कि आपके खिलाफ तो कोई दावा दायर नहीं किया जा सकता, आपके खिलाफ तो कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से इम्यूनिटी दी गई टू दी फॉरेन रूलर्स एंड डिप्लोमैट्स, जो फॉरेन रूलर्स आते थे, हुक्मरान आते थे, या जो डिप्लोमैट्स जो सफारतकार आते थे, वो इस केस से उनको उनके खिलाफ केसेस नहीं की जा सकते थे, दे हैव गॉट इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग सूड। ये भी एक इरेशनल सी बात नजर आती है। और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस जो ट्रिब्यूनल्स का काम था उसकी ग्रोथ भी जो है उस पर भी क्रिटिसिज्म किया गया, और ग्राउंड टू टर्मिनेट एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और ये बड़े जुर्म की बात थी कि जो क्राउन था वो किसी भी सर्विस के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको किसी भी वक्त बगैर वजह बताए टर्मिनेट कर सकता था। जहां तक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का ताल्लुक है तो इसमें बहुत जबरदस्त चीजें आगे आती हैं। इसमें पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि किसी शख्स को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा विदाउट फेयर एंड प्रॉपर ट्रायल। और दूसरी बात यह है जो अदालतें या ट्रिब्यूनल्स जो प्रोसीजर अख्तियार करेंगी वो फेयर प्रोसीजर अख्तियार करेंगी, लीगल प्रोसीजर अख्तियार करेंगी। और तीसरी बात, नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन केस, नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन कॉज, किसी को भी अपनी कॉज में जज नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, नो बडी कैन बी कंडम्ड अनहर्ड, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एट द बॉटम, के जिसमें किसी को बगैर सुने हुए आप सजा नहीं दे सकते। जहां तक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ रूल ऑफ लॉ का ताल्लुक है तो इसमें जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके बाद फिर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट सामने आई मॉडर्न टाइम में, और इसी का नाम रूल ऑफ लॉ रखा गया। और अगर जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है और वो लॉज के मुताबिक है तो अदालतें अगर उसमें हिंडर नहीं करती तो फिर आप रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर उसमें इंटरफेरेंस होती है। तो डेविस ने 7 प्रिंसिपल्स इस जो रूल ऑफ लॉ के उनको डिस्कस किया है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, फिक्स्ड रूल्स है, और इसी तरह से लिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन, उसने कहा कि ये जो स्वातंत्र इख्तियार है इनको लिमिनेट होना चाहिए, इनका खात्मा होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किसी भी काम को करने के लिए दुरुस्त लॉ का जो इस्तेमाल है वो आना चाहिए, और नेचुरल जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उन पर अवधारण किया जाना चाहिए। जो प्रेफरेंस ऑफ जजेस एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ द लॉ टू एग्जीक्यूट अथॉरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो जजेस हैं उनके फैसलों को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए और जो अदालतें हैं उनके फैसलों को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। और इसी तरह से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में उस पर अवधारण किया जाना चाहिए। जहां तक इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का ताल्लुक है तो उसमें एडवांटेजेस में ये जो रूल ऑफ लॉ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं उनको इंक्रीज करती है, लेकिन अगर वो अनड्यू इंक्रीज की गई है, वो नाजायज तौर पर बढ़ाई गई है, तो फिर उनके आगे रुकावट भी डालती है। और ये जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं उनको सर्टन पैरामीटर्स के अंदर, सर्टन बाउंड्स के अंदर भी रखती है।
और इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है उसके मुताबिक टेस्ट केस है, उसके मुताबिक इसको उसके जो चेक एंड बैलेंसेस है, रूल ऑफ लॉ जो है वो उसको टच स्टोन और स्टैंडर्ड मुहैया करती है जज को कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो प्रिवेलिंग है उसको चेक कर। जहां तक इसके डिसएडवांटेजेस का ताल्लुक है, इंग्लिश पीपल जो है उनमें वो फेल हुए ये बात देखने में कि इसकी ग्रोथ एमरजेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की उनको पावरफुल वॉइस में, पावरफुल आवाज में तब्दील नहीं होने दिया गया। ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी जो इसके रिजल्ट आने चाहिए थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था और जो सब्जेक्ट टू स्टडी था वो उनकी समझ में बहुत देर से आया, और उसके जो एडवांटेजेस थे या जो उसके रिजल्ट्स थे जो ओरिजिनेट होने चाहिए थे रूल ऑफ लॉ के जरिए वो समझ में नहीं थे। और जो जुडिशियल कंट्रोल था अदालतों का, जब रूल ऑफ लॉ के जरिए बात की गई तो फिर मिसप्लेस हुआ ट्रस्ट जो है, लोगों ने अदालतों पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा कम किया और हर मामले में जुडिशियल कंट्रोल जो था उसको कुछ ज्यादा जब देखा तो वो कहने लगे जी कि आप तो फिर हर जगह पर जो जुडिशियल है वो प्रवेश कर रही है, रूल ऑफ लॉ प्रवेश कर रही है, तो उससे लोग थोड़े से खौफजदा भी हो गए। पनिश्ड फॉर नथिंग, इंग्लिश मैन आर रूल्ड बाय लॉ एंड बाय द लॉ अलोन, अ मैन मे विदस बी पनिश्ड फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ बट ही कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर नथिंग एल्स। वहां पर सिर्फ जो लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा सिर्फ उसको उसको ब्रीच ऑफ लॉ के जुमरे में सजा दी जा सकती है, बाकी जो मर्जी को करे किसी को सजा नहीं दी जा सकती थी। तो इस कॉन्सेप्ट का ये डिसएडवांटेज था। जहां तक रूल ऑफ लॉ की इंप्लीकेशंस का ताल्लुक है, द इंप्लीकेशन ऑफ दिस टर्म हैज बीन क्लासिफाइड इन थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, लॉ एंड ऑर्डर, बेटर देन अनार्की। रूल ऑफ लॉ ये बात कहता है कि अनार्की से बेहतर है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करें और गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू लॉ रखें। ब्रॉड पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन जो है उसको बतौर रूल ऑफ लॉ को बतौर ब्रॉड पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन एक्सेप्ट किया जाए, और इसी तरह से जो इंटरनेशनल मूवमेंट्स थी टू प्रोमोट द रूल ऑफ लॉ, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसने रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने में बड़ी मदद की, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो था जो यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में बनाया था उसने इस प्रिंसिपल को तस्लीम किया है, और इसी तरह से गोल्डर्स केस 1975 जो है जिसमें रीअफर्मेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ जो थी उसको डायनेमिक कॉन्सेप्ट के तौर पर कबूल किया गया, और इसी तरह से न्यू दिल्ली में 1959 तमाम जो रूल्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है। फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू पर्सनल फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट ऑफ पब्लिक मीटिंग है, और इस तरह से तमाम जो राइट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाना भी रूल ऑफ लॉ के जुमरे में आता है। जहां तक गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस का ताल्लुक है, गवर्नमेंट जो है इंग्लैंड में वो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, रेवेन्यूज जो है उनको कलेक्ट किया जा रहा है, आर्मीज जो है रूल ऑफ लॉ के जरिए कंट्रोल की जा रही है, इक्विटी इन द आई ऑफ लॉ है, और ऑफिशियल्स एंड सिटीजंस जो है वो भी रूल ऑफ लॉ पर अमल करने के पाबंद नजर आते हैं। जहां तक रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का ताल्लुक है, तो ये प्री रेवोल्यूशन पीरियड का एक सुपर डॉक्ट्राइन है, और इसने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को प्रवेल करने में बहुत ज्यादा मदद की है, और इसने रूल ऑफ वन मैन को रिजेक्ट किया, और इसने सब्जेक्ट्स जो अवाम है उनके हाथों को मजबूत किया है, और लिमिटेड लेजिस्लेशन पावर जो है पार्लियामेंट की
अब कोई ऐसा लाभ मौजूद नहीं है जो उनको रोक सके या उसकी रास्ते में कर का डाल सके। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जहां तक ताल्लुक है उसमें फिफ्थ और फोर्टींथ अमेंडमेंट डील विद द ड्यू प्रोसेस क्लॉज अकॉर्डिंग टू विच लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन आर नॉट सब्जेक्ट टू अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द गवर्नमेंट द आइडिया फाउंड इन दीज क्लॉजेस हैज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ फ्रॉम द ब्रिटन। अब जहां तक रूल ऑफ लॉ अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जो है इसको आप जमहूरियत में कंडीशन प्रेसिडेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया गया है और इनकॉर्पोरेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रीएम्बल में यह बात कही गई है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, टॉलरेंस है, सोशल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि एनन्सिएटेड बाय इस्लाम है, शैल बी फुली ऑब्जर्व्ड, इन पर लाजमी अमल किया जाएगा। और राइट ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको आर्टिकल 4 ऑफ पाकिस्तान में, आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डेल्ट विद किया गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये इनअलाइनेबल है और ये हर सिटी का, हर सिटीजन का हक है, राइट है कि वो जहां चाहे रहे, जिस शख्स से चाहे, जिस वक्त मिले। और इसी तरह से किसी शख्स को कोई ऐसा काम करने से नहीं रोका जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो, और कोई एक्शन जो है किसी भी शख्स की लाइफ, लिबर्टी, बॉडी और रेपुटेशन के खिलाफ जो है नहीं लिया जाएगा जिससे उसकी ये पर्सनैलिटी या उसकी बॉडी जो है वो उसको डिटेरियोरेट होने का खतरा हो। और इक्वलिटी ऑफ सिटीजन जो है उसको अंडर आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन डिस्कस्ड। तो मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि रूल ऑफ लॉ जो है एक्सप्रेस से प्रेफरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर विदर ए कम्युनिटी रादर देन अनार्की एंड वॉरफेयर। इट वर्क्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। The main object of the rule of law is to keep the administrative authorities within their limits, to protect the individual from their abuse and to enforce the government for the law rather than a man. At the end, so far as the rule of law is concerned, it is the supremacy of the law. The law should observe, the law should be above the government, the government should be under the law. Everybody should have equal opportunities and equal protection of law. Every subject should be equally treated. Nobody should be condemned unheard. And if there is a culprit or accused of any case, his trial should be conducted fairly as enunciated according to the Article 10A of Constitution of Pakistan. Rule of law is incorporated in Constitution under Article 4, 25, 10A, etc. So, the concept of rule of law is a beautiful doctrine of natural justice which prevails almost in all the countries, and in new era, all the countries are bound to follow the rule of law. And no government or person is above the law. This is the concept of rule of law. Thank you very much. Umeed hai ke aaj ka lecture aapko samajh aa gaya hoga. Agar koi query ho, you can contact with me. Assalamu alaikum.